Think about him. So Vaman Dev Ji, भगवान के दश टेक्निकली ये खराब हो रहा है टेक्निकली दश अवतार होते हैं भगवान के दशा अवतार मेन 10 अवतार हैं जिनको लीला अवतार कहते हैं और ऐसे तो असंख्य भगवान के अवतार होते हैं भगवान असंख्य रूप लेकर इस धराधाम पे आते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं क्यों करते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों को मारने के लिए और अपने डिवोटीज को प्लीज करने के लिए डिवोटीज फिर उन पास टाइम से पे मेडिटेट करते हैं और उनको मेडिटेट करते हैं और भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा अपने गुण और अपने पर्सनालिटी को रिवील करते हैं एक तरह से पर्सनालिटी को रिवील कैसे कहूँगा मैं भगवान बताना चाहते हैं वो कौन है सो कैसे पता लगेगा जब कुछ करेंगे तभी तो पता लगेगा अगर कोई व्यक्ति एक कोने में बैठा है हमें क्या पता कौन है वो फिर हम उससे पूछ कोई कहता है भाई इन्होंने ये भी किया है इन्होंने ऐसा भी किया है इन्होंने ऐसा भी किया है तब जाके पता लगता है कि वो कौन है राम भगवान ने रावण को मारा सीता माँ को वापस लेके आए सुग्रीव की रक्षा की मर्यादा का पालन किया तब पता लगता है राम कौन है सो भगवान लीला इसलिए करते हैं कि हम भगवान को जान पाए और भगवान को जानने के बाद उनसे प्रेम कर पाए और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान के पास हम हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे जब तो इसीलिए कृष्णा कई अवतार लेते हैं सो वैसे तो दशम अवतार है जैसे मत्स्य कूर्मा वराह नरसिंह वामन उसमें से एक है उसके बाद कृष्णा कल्कि अवतार बुद्ध अवतार ऐसे दश अवतार हैं और फिर और बहुत सारे अवतार हैं जो भागवतम में लिस्ट है और ऐसे बहुत सारे अवतार हैं जो भागवतम में लिस्ट नहीं भी है बट स्टिल शास्त्रों में कहीं ना कहीं अवतारों का मेंशन होता है वरना तो ऐसे कोई भी कह दे मैं भी अवतार हूँ भगवान का प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी है ना आजकल कई गुरु कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ मैं भगवान का अवतार हूँ सो यू हैव टू सी शास्त्रों में मेंशन होना चाहिए सो सारे अवतारों में से एक अवतार है वामन देव जी का अवतार जिनका आज क्या है या आविर्भाव दिवस या यू कह लो स्पिरिचुअल बर्थडे दैट्स ही इज टुडे वो प्रकट हुए हैं उनका बर्थडे बर्थ तो नहीं होता अपीयरेंस डे लाइक दैट सो वामन देव कौन थे और उन्होंने क्या पास टाइम किया और उस पास टाइम से हमें क्या शिक्षा मिलती है और भगवान के बारे में क्या जानने को मिलता है सो हुआ ये था कि दो बहुत बड़े असुर थे नहीं असुर तो चलो बात हो गई एक बहुत बड़े असुर थे उनका नाम था बलि महाराज सो बलि जो थे ये प्रहलाद महाराज के पोते हैं भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष पता है ना आप लोगों को सो उनके पोते हैं भक्त प्रहलाद महाराज के पुत्र कौन थे विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि तो भक्त प्रहलाद बहुत बड़े डिवोटी थे और वही जो उनका खून था वो बलि महाराज में बह रहा था इसलिए बलि महाराज भी बहुत बड़े डिवोटी सेम दादा और पोता दैट्स हाउ विरोचन ही वॉज नॉट एग्जैक्टली डिवोटी बट बलि महाराज डिवोटी थे सो बलि जो थे बहुत बलवान थे और सबसे इम्पोर्टेंट था कि बलि महाराज दान बहुत करते थे दानी पुरुष थे इनफैक्ट शास्त्रों में दान को बलि बोला जाता है बलि चढ़ाना सो अब तो बलि को लोग समझते हैं जानवर को काटना मगर वेदों में शब्द बलि आता है उसका मतलब होता है दान सो अगर आप कहीं भी इंटरनेट पे पढ़ लें लोग कहते हैं देखो हमारे वेदों में बलि शब्द आ रहा है पशुओं को काटना गलत है वहाँ पे बलि का मतलब क्या है
दान है। तो कोई कैसे कोई कुछ भी बोलता रहे उसकी बात नहीं माननी चाहिए। वो संस्कृत श्लोक भी दिखा दे तब भी हम बात नहीं मानते, क्योंकि बलि का मतलब दान होता है। जैसे मांस बोलते हैं, ब्राह्मण ने मांस खाया, वेदों में मांस यू नो शब्द है, लोग कोट भी करेंगे, मगर मांस का मतलब शास्त्रों में मीट भी होता है, मांस का एक और मतलब होता है क्या, फल, फल का जो गूदा होता है उसको भी मांस कहते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में शब्द आ रहा है मांस खाया राम ने, मगर उसका मतलब क्या है, कंद मूल और मांस। सो कंद मूल क्या होता है पता है ना, कंद मूल पता है ना कि सबको क्या होता है, हैं फल का नाम नहीं है, कंद मूल होते हैं जैसे जो रूट होते हैं मूल, और कंद होते हैं जैसे आपका ये शकरकंदी नीचे उगता है, और मूल होते हैं जैसे गाजर और वो। तो रामायण वाल्मीकि रामायण लिखा है राम भगवान जंगल में कंद मूल और मांस खाते थे, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, नहीं गाजर शकरकंदी और मीट इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है वहाँ पे। मतलब क्या है मांस का, गाजर शकरकंदी और फ्रूट्स, दैट्स ऑल। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग इंटरनेट पे बहुत कोट कर रहे हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने बीच में मुझे याद है कि 10 साल पहले बहुत अफवाह उड़ी थी कि वेदों में गो मांस खाना लिखा है। अब इंटरनेट पे आके देखो गाय गो मांस लिखा है, गो शब्द आ रहे हैं तो कहते हैं आप इसका मतलब गाय है, बट गो शब्द के संस्कृत में 32 मतलब है, जरूर नहीं उसका मतलब गाय है। संस्कृत बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। सो मैं क्या कह रहा था, बलि का मतलब दान। इनफैक्ट जो भी आप ऑल्टर पे भोग चढ़ाते हो, भोग चढ़ाते हैं उसको भी बलि कहते हैं। बलि मतलब सेक्रीफाइस होता है, बलिदान नहीं कहते, उसने अपना बलिदान दे दिया। सो जब हम भोग चढ़ाते हैं तो हम बलि चढ़ा रहे हैं भगवान के सामने, किसकी किसकी बलि चढ़ा रहे हैं, अपने अहंकार की, कि कृष्णा ये आपके लिए है, मैंने आपके लिए बनाया है और मैं आपको आपकी शरण में हूँ, तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा रहे हैं। यू सी दैट्स आइडिया देयर। सो बलि महाराज बहुत दानी पुरुष थे, और उनका ये गुण भी था और उनका ये ड्रॉबैक भी था, दोष भी था। कभी कभी संसार में इंसान का गुण दोष भी बन जाता है, डिपेंड करता है वो कहाँ है। सो एक बुद्धिमान पुरुष अगर मूर्खों के समाज में है तो वो उसका क्या है, गुण है दोष, उसका दोष है, क्योंकि मूर्ख उसका मजाक उड़ाएंगे, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा इसलिए बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि, बुद्धिमानता गुण तब होती है जब वो और बुद्धिमानों के साथ है, क्योंकि वो अप्रिशिएट कर पाएंगे उसकी इंटेलिजेंस, है नहीं। सो ऐसी बलि महाराज थे, वो दानी थे, बट बलि महाराज क्योंकि असुर कुल में थे, उनके सारे फ्रेंड्स, उनकी प्रजा असुर थी, उनको कोई मतलब नहीं था बलि महाराज के दान से। मगर बलि महाराज इतने पावरफुल थे कि उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपने वश में कर लिया, नीचे लोगों को अपने वश में कर लिया, त्रिलोक अधिपति बन गए बलि। उनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु कौन है, एक्चुअली बृहस्पति और शुक्राचार्य पहले फ्रेंड थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु नहीं थे कभी, शुक्राचार्य देवताओं के गुरु थे पहले, बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों गुरु थे, मगर क्या हो गया इसको आज, मगर शुक्राचार्य और बृहस्पति में लड़ाई हो गई, वहाँ पे भी लड़ाई होती है कुछ बात पे, तो शुक्राचार्य ने कहा बृहस्पति से कि मैं बदला लूँगा आपसे, और बदला लेने के लिए वो देवताओं को छोड़ के कहाँ चले गए, असुरों के पास, इसलिए वो असुरों के गुरु बन गए। बट वो एक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि शुक्राचार्य को देवताओं की सारी सीक्रेट्स पता थी, क्योंकि वो उस कैंप से इस कैंप में आए ना, वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। सो शुक्राचार्य ने बलि को पावरफुल बना दिया, और बलि महाराज को देवताओं की सीक्रेट्स बता दी, और बलि महाराज ने देवताओं को हरा दिया। एक्चुअली एक तो ये कारण था, शुक्राचार्य बलि का साइड ले ली,
और हरवा दिया। और दूसरा कारण ये था कि एक बार इंद्र अपने हाथी पर जा रहे थे, हाथी का नाम क्या है? रावण। वो हाथी कहाँ से मिला था इंद्र को? समुद्र मंथन जब हुआ था तो वहाँ से ऐरावत हाथी प्रकट हुए थे। सो ऐरावत जो थे, ऐरावत हाथी की दो सूंड है, पता है आपको? एक नहीं, और पांच दांत है। इंटरेस्टिंग। एंड ही इज एब्सोल्युटली वाइट मिल्क कॉम्प्लेक्शन। सो ऐरावत हाथी पे जा रहे थे इंद्र, एंड इंद्र समा पता नहीं क्या दिमाग में उनका फ्यूज उड़ा हुआ था। सो उनके गुरु बृहस्पति आए और उन्होंने इंद्र को भगवान विष्णु का अर्पित जो माला है वो इंद्र को प्रसाद के रूप में दी। सो इंद्र ने ली और अपने हाथी ऐरावत हाथी के सूंड पे डाल दिया, खुद पहना भी नहीं। ऐरावत हाथी ने सूंड से गिरा के पैर से कुचल दिया। आई डोंट नो, सबका फ्यूज उड़ा हुआ था उस दिन। पता नहीं क्या हो गया दिमाग को। इंद्र को अहंकार आ गया कि मैं पावरफुल हूँ। सो बृहस्पति ने वहीं शाप दिया इंद्र को कि तुम अहंकारी हो गए हो और तुमने विष्णु और मेरा भी अनादर किया गुरु का। तो एक तो ये इंसिडेंस हो गया। दूसरा इंसिडेंस हुआ, इंद्र अपना बैठे हुए थे, बृहस्पति जी आए, इंद्र उठे ही नहीं सीट से। बृहस्पति बहुत गुस्सा हो गया। बृहस्पति ने शाप दिया कि तुम कमज़ोर पड़ जाओ और असुर तुम पे कैसे कहेंगे, हावी होकर विजय हो जाएंगे। सो ही कर्स देम। तो इस शुक्राचार्य को पता लग गया शाप लग चुका है उनको, इंद्र को, देवताओं को। शुक्राचार्य ने कहा अच्छा टाइम है, जब दुश्मन कमज़ोर हो उसी टाइम, उस टाइम अटैक कर देना चाहिए। और शुक्राचार्य को सीक्रेट्स भी पता है। बलि महाराज ने अटैक किया, सारे देवता हार गए और सब बलि महाराज के अंडर। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि बलि ने स्वर्ग पे राज्य कर लिया, नीचे के लोगों पे राज्य, धरती पे राज्य, बलि त्रिलोकपति बन गए। सो सारे देवी देवता भागे भागे विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान के सुनने का प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास रहने की जगह नहीं है और कोई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो भगवान ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। सो फिर भगवान अवतार लेके आए, किस रूप में? वामन। वामन मतलब होता है छोटे बच्चे, या यूँ कर लो बौना, ड्वार्फ। तो छोटे सुंदर बच्चे के रूप में अवतार लेके आए। और किसके पुत्र के रूप में प्रकट हुए? कश्यप और अदिति। इसलिए बलि महाराज को अदिति का पुत्र कहते हैं, अदिति पुत्र, अदिति नंदन। सो कश्यप अदिति के पुत्र हो क्या है? और क्योंकि कश्यप अदिति के जो बड़े पुत्र हैं वो हैं इंद्र, इंद्र भी कश्यप अदिति के पुत्र हैं। सारे देवी देवता कश्यप अदिति के पुत्र हैं। और वामन देव भी कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में आए, इसलिए वामन देव और इंद्र का रिलेशनशिप क्या हुआ? बड़े भाई छोटे भाई, छोटे भाई वामन देव, छोटे भाई इंद्र के। इसलिए वामन देव जी का एक और नाम है उपेंद्र, उपेंद्र छोटे भाई के रूप में है। आज भी वामन देव स्वर्ग में रहते हैं और इंद्र को एज अ ब्रदर ट्रीट करते हैं और एडवाइस करते रहते हैं इंद्र को, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। सो इट्स अ नाइस रिलेशनशिप। सो वामन देव प्रकट हुए छोटे बच्चे के रूप में, बहुत एफलजेंट और बहुत ही गोरे, और सारे देवी देवताओं ने उनको गिफ्ट दिए। इंद्र ने उनको बेल्ट गिफ्ट की, किसी देवता ने छतरी गिफ्ट की, किसी ने जो होती है कि डियर स्किन मृग की छाल, क्योंकि छोटे बच्चे के रूप में तो एज अ ब्रह्मचारी हैं, तो मृग छाल दिया, कमंडल दिया, डंडा दिया, ऐसे गिफ्ट दी, तो उनका बहुत अच्छा रूप हुआ एज अ ब्रह्मचारी रूप हो गया। किसी ने खड़ाओ दी। और वामन देव ने कहा ठीक है अब मैं एक मिशन के लिए आया हूँ यहाँ पर। और मिशन क्या था? मिशन बलि, दैट्स ऑल समथिंग वो कंप्लीट करना है। सो वो फिर वहाँ से वो आ गए धरती पे, और धरती पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। सो बहुत बड़ा यज्ञ, मतलब पूरे ब्रह्मांड पे आधिपत्य जमाने का जो भी वो यज्ञ कर रहे थे, सब जीत लिया तो उसके बाद यज्ञ हो रहा था एक। तो शुक्राचार्य उनकी हेल्प करा रहे थे,
और वहाँ पे वामन देव आए एज अ बैगर। ब्रह्मचारी तो भी वो मांगते हैं, मधुकरी करते हैं, तो वो आए। उस सारे लोग देखने लगे कौन है, क्योंकि वामन देव जी को देखते ही जैसे ही सारे लोगों ने देखा, असुरों ने, उनको लगा कि कोई दिव्य पुरुष आ गया, साक्षात वेद आ गए वामन देव। और वामन देव आते आते जप कर रहे थे वेदों की ऋचाएँ और सूक्त, तो सब बहुत इम्प्रेस थे कि वेद तो इनके मुंह से ऐसे निकल रहे हैं जैसे 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 गंगा का प्रवाह हो रहा है, वेरी इम्प्रेस्ड। तो सबने सबने किसी ने रोका नहीं उनको, वो सीधा चलते 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 यज्ञ के पास आ गए, किसी सोल्जर ने नहीं रोका, इतने इम्प्रेस थे लोग। उन्होंने कहा ज़रूर कोई देवता आया यज्ञ को ब्लेस करने, कोई स्पेशल कुछ हो रहा है, हमारे महाराज जी को ब्लेस करेंगे ब्राह्मण, तो आप पीछे आने दिया। वामन देव आए वहाँ पे, बलि महाराज भी उठे, वो भी उन्होंने देख के इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता आपको अगर आपको कोई भी दान चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ, दानी तो थे ही। तो वामन देव ने कहा कि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो मुझे आप 3.5 पग भूमि दे दीजिए, 3.5 पग भूमि दो। तो बलि महाराज ने कहा ये क्या है, आपको तो मैं पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ, पूरा स्वर्ग दे सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, जवाहरात, अब 3.5 पग क्यों मांग रहे हो? तो वामन देव ने कहा क्योंकि मरने के बाद, वो तो वामन है ना, छोटे बच्चे हैं, मरने के बाद मुझे कितनी भूमि चाहिए? 3.5 पग, इसी पे कुटिया बना लूँगा, इसी पे मर जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब मैं इसमें मेरी समाधि बन जाएगी। बलि महाराज ने कहा बड़ी अजीब सी बात है, शुक्राचार्य समझ गए कि ये कुछ खेल चल रहा है, शुक्राचार्य समझ गए कि ऐसी तो कभी कोई मांगता ही नहीं 3.5 पग, आज तक किसी ने कोई ऐसी भीख मांगी नहीं। शुक्राचार्य ने कहा भी ऐसे तो किसी ने मांगा ही नहीं कभी 3.5 पग भूमि, जितने ब्राह्मण आए हैं कोई गाय मांगता है, कोई हीरे जवाहरात मांगता है, कोई भूमि मांगता है खेती के लिए, ये 3.5 पग तो बड़ी अजीब सी बात है। और जबकि वामन और वामन देव के बॉडी से इतना लाइट निकल रही है, इतने सुंदर है, शुक्राचार्य पहचान गए कि और कोई नहीं है, विष्णु छल करने आए। शुक्राचार्य एकदम से बलि को कहा बलि ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, और ये तुम्हें छल करने आया, छल से तुम्हारा सारे राज्य छीन लेंगे जो तुमने इतनी मुश्किल से कमाया है, इसलिए तुम इनको दान देने के लिए मना कर दो। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य से कहा, बलि महाराज है तो डिवोटी, असुर कुल में मगर डिवोटी है, बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, असुरों के राजा है मगर डिवोटी है, सो उनके हार्ट में तो डिवोशन थी। उन्होंने कहा अगर ये विष्णु है तो मैं दान जरूर दूंगा, क्योंकि मैं डिवोटी हूँ, मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर विष्णु नहीं है तो 3.5 भूमि देने में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों कंडीशन में मैं दान देने वाला हूँ। शुक्राचार्य ने कहा सोच लो तुम, तो बलि महाराज ने कहा मैं सोच लिया। उन्होंने कमंडल लिया, दान देने के लिए ना पानी पानी करके करना पड़ता है, नहीं पानी लेकर आचमन, तो उन्होंने कमंडल पानी डाल रहे थे, पानी आ ही नहीं रहा, कि शुक्राचार्य छोटे होके उसकी नोक में घुस गए। शुक्राचार्य ने कहा इनको रोकना है भी बलि को, तो उसकी नोक के अंदर घुस गए वो ब्लॉक करने के लिए, तो पानी नहीं आ रहा, बलि महाराज कर रहे हैं। वामन देव ने कहा दिखाना कमंडल, तो उन्होंने देखा और अंदर शुक्राचार्य बैठे थे, तो उन्होंने सीख ली और उनकी आंख फूट गई, एक आंख, और शुक्राचार्य चिल्लाते हुए और फिर वो भागे और जस्ट फ्रॉम दिया। तो बलि महाराज ने फिर उसके बाद पानी डाला, दान दिया, उन्होंने बोला मैं 3.5 पग भूमि आपको दान करता हूँ। जैसे ही वामन देव को दान किया, वैसे ही वामन देव ने अपना साइज बढ़ाना शुरू किया, और उनका दूसरा अवतार हुआ जिसको बोलते हैं त्रिविक्रम। इस लीला में दो अवतार हुए, एक वामन और दूसरा त्रिविक्रम। इतना बड़ा साइज ले, यूनिवर्स के इक्वल साइज ले लिया, ब्रह्मांड के इक्वल, और एक पग से उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप लिया ऊपर के लोग, एक पग से नीचे के लोग, और एक पग से धरती, तीन हो गए। अब कितना बचा? आधा। तो उन्होंने कहा आधा पैर कहाँ रखूं? तो बलि महाराज सोचने के मैं क्या करूं, बलि महाराज सत्यवादी भी थे दानी भी थे, उन्होंने कहा मेरा दान इनकम्प्लीट नहीं जाएगा,
मरियम महाराज ने कहा कि आप मेरे सर पे रखिए। सो वो 3:30 था, तो भगवान ने 4 क्यों नहीं बोला, 3:30 क्यों बोल दिया, 4 क्यों नहीं बोला, है मरने के 4 हो जाती उसमें क्या ज्यादा में क्या प्रॉब्लम है, 3:30 क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 4 बोलते थे चौथा बलि महाराज के सर पे रख देते। 3:30 इसलिए बोला क्योंकि आधा पैर पूरा नहीं रखा जाता, हाफ हाफ, मतलब अगर 4 बोलते तो पूरा रखना पड़ता है नहीं, आधा मतलब हवा में, चौथा बोलते तो बलि महाराज के सर पे रखते और बलि महाराज को नीचे दबा के उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए आधा रखा कि सिर्फ बलि महाराज के सर पे हवा में रखेंगे, हाफ हो गया ना स्टेप, वो पूरा रखेंगे तो पूरा रखना पड़ेगा, आधा तो आधा उठा के हवा में, इसलिए 3:30 बोला था भगवान ने। तो उनके सर पे चरण रखा और बलि महाराज, भगवान बहुत खुश हुए, भगवान ने कहा बलि तुमने, तुम सत्यवादी हो, तुम दानी हो, उससे आधा तुम बहुत बड़े डिवोटी हो। बलि महाराज महाजन है, महाजन मतलब भक्ति के टीचर हैं। बलि महाराज ने अपने एक्शन से क्या सिखाया हमें, शरणागति, अभी आऊँगा मैं, शरण ले ली, सर पे रख दिया, मगर भगवान यहाँ पे रुके नहीं, भगवान ने कहा बलि ठीक है अब तो तुम मेरे अंडर आ गए, तुम्हारे सर पे पैर रख दिया, अब तुम राजा नहीं रहे, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी है और तुम भी मेरे दास हो, इसलिए अब मैं तुम्हें दास की तरह ट्रीट करूँगा। भगवान ने उनको फिर बांध दिया सरसियों से, नागपाश से बांध दिया और उनको उठा के नीचे सूतल में फेंक दिया। भगवान ने कहा तुम सूतल जाओ, तो धरती के नीचे अतल वितल सूतल तलातल रसातल पताल ऐसे नीचे है, तो सूतल में भेज दिया। भगवान ने कहा तुम यहाँ नहीं रहोगे, सूतल में जाओ, वहाँ पे राज्य करो, वहाँ पे तुम्हें मैं किंगडम दे रहा हूँ, धरती छोड़ दो। सो इस पूरी लीला से बलि महाराज ने हमें क्या सिखाया है, आत्मा निवेदन, फुल सरेंडर क्या होता है। बलि महाराज का सरेंडर, शरणागति इतनी महान है कि जब भी शरणागति 100% शरणागति का एग्जाम्पल दिया जाता है तो किसका दिया जाता है, प्रहलाद महाराज का भी नहीं दिया जाएगा, हनुमान जी का भी दिया नहीं जाएगा, बलि का दिया जाएगा। क्यों, कौन बताएगा क्यों, पूरी स्टोरी सुन लिया, क्यों बलि महाराज ने ऐसा क्या कर दिया शरणागति, हनुमान जी भी शरणागत हैं राम के, प्रहलाद भी हैं, इतने महान महान भक्त हुए हैं, मगर बलि का नाम क्यों है। है वो तो गोपियों ने भी कर दिया, हनुमान जी ने भी कर दिया, तो बलि में कैसी स्पेशलिटी आ गई, भक्त प्रहलाद ने भी किया, उन्होंने अपनी लाइफ ही सरेंडर नहीं की, उन्होंने भगवान की शरण लेने के लिए गुरु के अगेंस्ट गए, आसान नहीं है, आसान नहीं है गुरु के अगेंस्ट जाना, पहला मतलब भगवान की शरण लेने के लिए गुरु को भी त्याग दिया, भगवान की शरण लेने के लिए बलि महाराज ने अपना अहंकार भी त्याग दिया, क्योंकि बलि महाराज, भगवान ने कहा आखिरी कदम का रखूं, बलि महाराज ने परवाह नहीं की, क्योंकि इतने वो किंग है, इतनी सारी उनकी प्रजा है, उनकी बेइज्जती इतनी हो गई सामने, नहीं उनके सर पे पैर दे ले, तो उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया, प्लस बलि महाराज ने ये परवाह नहीं की कि भगवान मेरे को कैसे ट्रीट करेंगे। बलि महाराज, भगवान ने उनको बांध दिया, नीचे फेंक दिया, सबके सामने उनकी निंदा भी की, बलि महाराज को बोला भी कि तुम घटिया हो, तुम ऐसे हो, तुम अपनी वाव पूरी करो, अपशब्द भी बोले, तब भी बलि ने भगवान को मुड़ के कुछ भी नहीं कहा, हरे कृष्णा क्या है, तभी बलि ने भगवान को मुड़ के कुछ भी नहीं कहा। ये होती है शरणागति, सबसे मुश्किल काम है शरणागति में, आप जिसकी शरण ले रहे हो अगर वो आपके अगेंस्ट चला जाए फिर तो आदमी पागल हो जाता है। नहीं मतलब आपने किसी पे फेथ रखा,
उसकी शरण ली, उसकी बात मानी, और वो ही आपके अगेंस्ट होके सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आदमी उसके अंडर रह ही नहीं सकता, उसका फेट टूट गया ना, उसका दिल टूट गया। बलि महाराज ने नहीं, बलि महाराज ने कहा भगवान आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे, आप मेरे स्वामी हैं हमेशा के लिए। इसलिए बलि का एग्जाम्पल शरणागति में दिया जाता है हमेशा, आत्मा निवेदन में। सो वामन देव की कथा में, अगर वामन देव जी की कथा है तो इसके साथ साथ बलि की भी कथा है। इसलिए आज के दिन क्या करते हैं लोग, टेक्निकली हरि भक्ति विलास में लिखा है कि वामन द्वादशी के दिन एक जैसे टेबल पे मंदिर बनाना चाहिए, उस पे वामन देव की फ़ोटो हो और किसकी फ़ोटो, बलि महाराज की फ़ोटो साथ में होती है, क्योंकि आज बलि महाराज का बलिदान है। और वामन देव, बलि तो बहुत अच्छे सेवक हैं ही, सबको शरण ले ली, और वामन देव भी बहुत अच्छे स्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने बलि की बेइज्जती नहीं की, उन्होंने बलि महाराज का यश पूरे संसार में फैला दिया। ऐसा लग रहा है उन्होंने बांध के इधर उधर फेंक दिया, मगर एक्चुअली बलि महाराज ने, भगवान ने जानबूझ के ऐसा किया कि बलि महाराज के गुण प्रकट हो जाए, लोगों को भी नज़र आए कि बलि कितने सहनशील हैं, कितने दानी हैं। अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो पता ही नहीं लगता किसी को भी। सो भगवान और भक्त के बीच में ये लीला है, इसलिए आज के दिन बलि की फ़ोटो रखते हैं, वामन देव की फ़ोटो रखते हैं, ऑल्टर बनाते हैं, टेक्निकली जो ट्रेडिशनली जो करते हैं, और पूरी रात कीर्तन किया जाता है, परिक्रमा करते 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 हरि भक्ति विलास में लिखा है। और वामन देव की फिर देवताओं ने स्तुति की। और इस लीला में एक और चीज़ हुई है, जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप लिया तो भगवान ने एक पांव से स्वर्ग नाप लिया पूरा, तो स्वर्ग नापा तो उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड की कवरिंग जो होती है उसमें छेद हो गया, और उस छेद से क्या आया अंदर, गंगा जी। उस छेद से बाहर का जो 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 शीर नहीं, हाँ जो का जो कारण सागर है, ब्रह्मांड के बाहर पानी है, सो पानी अंदर आया और भगवान के चरणों को छूते हुए आया, और वो क्या बन गया, गंगा जी। इसलिए गंगा जी का एक नाम क्या है, विष्णुपदी, सुना है, तो विष्णु के चरणों से प्रकट होती हैं, तो वो छू के आया और फिर वो गंगा जी के नाम से इस पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हुए वो नदी। और स्वर्ग में गंगा जी को क्या बोलते हैं, स्वर्ग में गंगा जी को बोलते हैं मंदाकिनी, और जब धरती पे आती है तो जाह्नवी गंगा, और फिर नीचे के लोक में जाती है क्या बोलते हैं, भोगवती। ये गंगा जी के कई नाम हैं, तीनों लोकों को पावन करती है गंगा जी। सो गंगा जी भी इस वामन अवतार के पास टाइम से रिलेटेड है। गंगा जी का प्रादुर्भाव वामन जी, सॉरी वामन क्या कह रहा हूँ, वामन या त्रिविक्रम अवतार की वजह से हुआ है, दोनों लिंक्ड है, वामन त्रिविक्रम एक ही साथ है। सो ये आज वामन द्वादशी है। वामन अवतार किसके लिए प्रसिद्ध है, अलग अलग अवतार अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे मत्स्य अवतार किसके लिए, मत्स्य अवतार ज्ञान के लिए है। अगर आप मत्स्य अवतार की पूजा करोगे तो आपको ज्ञान आएंगे, क्योंकि मत्स्य अवतार ने मनुओं को, ऋषियों को और वेदों की रक्षा की थी। ऐसी हयग्रीव अवतार है, हयग्रीव अवतार भी तो ब्रह्मा जी से कुछ कौन थे वो असुर, नहीं मधु कैटम नहीं थे, तो ब्रह्मा पता नहीं है, तो ब्रह्मा जी से कुछ असुर लोग वेद चुरा के ले गए थे, भगवान ने हयग्रीव अवतार में असुरों को मार के वेद वापस किए ब्रह्मा जी को। इसलिए हयग्रीव अवतार की पूजा, जो वेद में पंडित बनना चाहता है वो हयग्रीव अवतार की पूजा करते हैं। ऐसे हर अवतार में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। कृष्ण तो अवतार भी है और अवतारी भी है, ओरिजिनल है। कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है, हाँ क्या, ऑलराउंड कृष्ण की पूजा की जाती है प्रेम के लिए, कृष्ण इज द गॉड ऑफ लव। ऐसे हयग्रीव और मत्स्य गॉड ऑफ नॉलेज हैं, ऐसी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं हम प्रेम के लिए। ऐसी वामन अवतार किसके लिए, कौन बताएगा, मैं बता चुका हूँ किसके लिए है, शरणागति के लिए। अगर आप शरणागति सीखना चाहते हो, भगवान की शरण लेना चाहते हो 100%, तो वामन अवतार की पूजा करते हैं लोग, और उससे डिवोटी
भगवान के 100% शरणागत हो जाते हैं। बस ये हो सकता है आपको वामन अवतार छल कर दें, वो बात अलग है, उसके लिए रेडी रहना, बट ही कैन डू एनीथिंग, बट वो टीच करेंगे शरणागति क्या है। सो इसलिए आज के दिन हम रावण देव से प्रे करते हैं कि आप प्लीज़ हमें शरणागति सिखाइए, हम कैसे आपकी शरणागति ले सकते हैं, कैसे कृष्ण की शरणागति ले सकते हैं और भगवान को प्रेम करना सीख सकते हैं। वामन का मतलब ये, वामन का मतलब होता है छोटा, मतलब बौना छोटा, वामन। वामन का वैसे एक और मतलब है, व मतलब होता है स्ट्रेंथ, व से वायु, वायु मतलब बल, प्राण वायु मतलब बल, सो व से बल है, और मन मतलब माइंड। तो वामन अवतार की पूजा की जाती है माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए। हमारा माइंड वीक है ना, सबका भागता रहता है, चैंटिंग में लगता नहीं, इधर उधर गंदी चीज़ों में चला जाता है। आज के दिन वामन अवतार के दिन लोग पूजा करते हैं वामन देव की, उनसे प्रे करते हैं कि हमारे माइंड को स्ट्रेंथ दीजिए। इसलिए जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन वीक है, वो उनको वामन देव की से प्रार्थना करनी चाहिए, तो आपके माइंड को स्ट्रांग बना देंगे। सो ये वामन देव जी का रोल है यहाँ पर। ओके, सो दैट्स अबाउट वामन देव। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एम डन देयर। वामन देव कश्यप दिया, कुछ कहना है किसी को? और वील फिनिश वामन देव लीला अवतार है, लीला करने आए थे। तो एक दिन में खत्म हो गया, एक दिन में खत्म हो गया, चलेगा वो खत्म खेल खत्म, पैसा हजम दैट्स ऑल। नरसिंह अवतार भी ऐसे ही है, आए हिरण्यकशिपु को मारा, जस्ट वेंट ऑफ। इसलिए इनको लीला अवतार कहा जाता है, लीला करके चले जाते हैं, मिशन हो गया चले गए, मिशन वाली कंप्लीट, जस्ट वेंट ऑफ। क्या कह रहे हैं बोलो? हाँ हाँ, तो बलि महाराज को सूतल में भेज दिया, उन्होंने कहा सूतल में राज्य कीजिए, और वामन देव फिर उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज ने कहा कि वामन देव से कि आप हमेशा, मैं आपके हमेशा दर्शन करना चाहता हूँ, आपने सूतल में तो भेज दिया मगर मैं आपका डिवोटी हूँ, मैं हमेशा आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लोक में रहूँगा एज अ द्वारपाल वामन देव, क्योंकि बलि महाराज डिवोटी है ना। भगवान जैसे भक्त भगवान की सेवा करने का कोई अवसर नहीं खोता, ऐसी भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए कोई अवसर नहीं खोते। भगवान कह सकते थे ठीक है मैं तुम्हारे सूतल में, तुम्हारे ऑल्टर में खड़ा रहूँगा, नहीं मंदिर में आशीर्वाद दूँगा, नहीं। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया बलि महाराज के। बलि महाराज ने इतनी शरण ली, मानने का मुझे भी कुछ करना पड़ेगा अपने भक्त के लिए, मानने का मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूँगा। वामन देव आज भी द्वारपाल हैं, वामन देव। और सूतल जाओगे तो पहले भगवान के दर्शन होंगे एज अ गार्ड, वहाँ पे खड़े हैं, दैट्स बलि, वेरी फॉर्चुनेट। नहीं नहीं, वो थोड़ा ना कहेंगे मेरा द्वारपाल बनो, वो डिवोटी हैं, वो डिवोटी उन्होंने कहेंगे मेरे द्वारपाल बन जाओ, जाके खड़े हो जाओ, भगवान ने खुद कहा, वो तो कहेंगे आप मेरी गद्दी पे बैठो, भगवान ने खुद कहा मैं तुम्हारा द्वार पर बनूंगा, मैं तुम्हारी ये सेवा करना चाहता हूँ। ये स्टिल देर थ्री एंड हाफ मांगी थी, थ्री एंड हाफ थी, तो ध्यान से पढ़ना थ्री एंड हाफ है, यू रीड प्रॉपरली, वहाँ है थ्री है बट हाफ और है, थ्री प्लस हाफ, आप पढ़ोगे इसमें थ्री लिखी है बट आप ध्यान से पढ़ोगे तो थ्री एंड हाफ आएगी, डू सम रिसर्च। हम्म,
कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि जैसे इधर स्वर्ग का राजा है तो जैसे बल्दी महाराज को नीचे भेज दिया था अपना भगवान ने तो उसमें ये स्टोरी ये भी आती है कि बल्दी महाराज को ये भी आशीर्वाद दिया था कि आने वाले टाइम में स्वर्ग का राजा हाँ है कभी है बल्दी महाराज आगे जाके इंद्र बनेंगे ये है आगे जाकर आगे के युगों में इंद्र बनेंगे उनको है ब्लेसिंग्स इस बात की जो बल्ली महाराज हैं उनके मतलब गुरु जैसे एक वाक्य की यस्य प्रसन्न हो तो प्रसन्न हो कि गुरु खुश है तो भगवान खुश है अगर गुरु भगवान के एंटी चले जाए तो गुरु को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए बस ये रूल है भारत में लोग गुरु को जल्दी जल्दी नहीं छोड़ते चाहे गुरु जेल चला जाए जेल को भी धाम बना देते हैं सब ट्रैक है भारत में बट गुरु एंटी हो जाए सत पथ से हट जाए धर्म के धर्म से अधर्म की ओर चला जाए भगवान के अगेंस्ट हो जाए तो उसको त्याग देना चाहिए इस लीला में ये भी शिक्षा है बल्ली महाराज ने एकदम से बोल दिया शुक्राचार्य है मैं आपकी बात नहीं मानता आप कह रहे हो विष्णु को दान नहीं दे ये कहाँ की फिलॉसफी इस ऐसा है गुरु की माया को यही इंडियन है यही भारतीय है सब क्रैक है सब यहाँ ये तो अंधविश्वास है ये अंधविश्वास भी नहीं है ये क्या कहेंगे इसको ये पागलपन है विश्वास नहीं है ये या गुरु विश्वास तो होता है ना कि गुरु पे विश्वास तब तक है जब तक वो सही चीज़ कर रहा है गुरु लड़कियों के यहाँ नाच रहा है तो क्या है ये तो दिखाई दे रहा है किसी को भी पागल हो चुका है वो रिजेक्ट हिम दैट्स ऑल इंडिया में मुश्किल है इंडिया में गुरु मीन्स भगवान से भी ऊपर तो गुरु अगर गुरु सो रहे हैं तो लीला कर रहे हैं 6 घंटे सोए पड़े हैं दिन में लीला कर रहे हैं गुरु महाराज लड़कियों यहाँ घूम रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं उनको सर यहाँ पे अजीब सही है थोड़ा तभी भारत का कूड़ा हो चुका है और असली संतों पे भी विश्वास उठ चुका है चक्कर ये हो गया चलो वो तो है ही ख़राब उनके चक्कर में जो अच्छे डिवोटीज हैं अच्छे संत हैं उनको भी आज कोई नहीं मानता सब कहते हैं सब सब सभी ढोंग है यही कहते हैं तभी पी के और ये क्या है मूवीज़ तभी ऐसी मूवीज़ आई हैं अब उसकी गलती तो चलो आमिर खान के अगेंस्ट पूरा लोग हो गए हैं वो सही भी है वो तो पागलपंथी की मूवीज़ बना रहा है बट एक सेंस में अब उसकी भी गलती है जब सभी ढोंग चल रहा है उनने कहा भैया देखो तुम्हारे यहाँ पे ये हो रहा है अब वो होता है ना क्या कहते हैं उसके तहत तो धान के चावल भी बेच जाते क्या होता है वो गेहूँ के साथ हाँ गेहूँ गया धुन बस वो वही हो गया है सो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कई लोग भारत में भी अपने गुरु ले लेते हैं मंत्र ले लेते हैं छोटे में उसकी क्या वैल्यू है अपना लेके बस फोटो लगा के बस चलता रहता है उनका क्या है बेकार है सब नॉनसेंस है कुछ नहीं सो उसको विश्वास नहीं कहते उसको पागलपन कहते इट्स अ क्रेजी आइडिया आई डोंट नो जेल को धाम बना दिया ये कभी हुआ है इतिहास में जेल ही धाम बन गया वो साइन लगे हैं धाम है वो भाई वो जेल में बैठे धाम है वो हद हो गई मतलब स्क्रैप हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम दशरथ वाले या कोई और क्यों आपको और क्यों लगते हैं पूछ रहा हूँ मैं कृष्ण की जैसे लीला है सब कुछ आप करते हैं तो राम को उसके साथ क्यों नहीं फोटो लगाते क्या उन्हें महत्व दे अच्छा यहाँ पर इस मंत्र में हाँ। इस मंत्र में राम राम भी हैं मगर हम लोग के लिए राम यहाँ पे राधा रमन है राम मतलब जो राधा को रमन दे आनंद दे तो इसलिए इसमें हरे कृष्ण मंत्र में कृष्णा भी कृष्णा है कृष्णा वो है जो राधा को आकर्षित करते हैं अपने भक्तों को हरे मतलब राधा
और राम इसलिए कहते हैं आकर्षित करके उनको आनंद देते हैं अपने डिवोटीज को। सो राधा रमन से राम आता है। सो इसलिए हम राम की फोटो नहीं लगाते, हमारा फोकस कृष्णा पे है। राम भी कृष्ण ही है, कृष्ण भी राम है, एक ही है, मगर प्रेम के राज्य में हमारा प्रेम कृष्ण से है, हमारा फोकस उस पर है। मीराबाई या ये हनुमान जी ये लोग राम, इन्होंने राम की भक्ति की, हम लोग कृष्ण की कर रहे हैं। कुछ लोग वामन देव के भक्त होंगे, तो अलग अलग भगवान के अवतार हैं और अलग अलग अवतार, अलग अलग डिवोटीज अलग अलग अवतार से अट्रैक्ट होते हैं और उनकी पूजा करते हैं, बस इसलिए है, और कुछ नहीं। वैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में भी आप बॉम्बे जाओ तो राधा रास भी आ रही है और सीताराम लक्ष्मण हनुमान, दिल्ली मंदिर में भी है सीताराम लक्ष्मण हनुमान है। जैसे आज वामन देव का अपीयरेंस डे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, मगर हम लोग पता है क्या, हम लोग वृंदावन वासियों का अनुगमन करते हैं, व्रजवासियों का, और व्रजवासी ऐसे डिवोटीज हैं जो केवल कृष्ण के रूप को प्रेम करते हैं। अगर उनके सामने राम भी आ जाए तो वो कहेंगे हमें कृष्ण का पता बता दो, एक्सक्लूसिवली कृष्ण से, श्याम सुंदर हमारा फोकस है। सो ये आपका प्रेम की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से सब एक है, प्रेम की दृष्टि से हम वो लाइक करते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की कई मूवीज़ हैं, नहीं कई, उसने शोले बनाई और क्या था, पता नहीं क्या क्या बोली, कुली है, कुली थी, पुरानी पता है मुझे, और कौन कौन सी मैं तो भूल ही गया, शोले थी, कुली थी, दीवार में भी था, एक में वो बन के आया था ना विलेन टाइप का, खलनायक क्या था, खलनायक डॉन, मतलब ये सारी मूवीज थी बचपन में देखते थे। मगर मुझे शोले वाला करेक्टर अच्छा लगता था अमिताभ बच्चन का, वो हम बहुत देखते थे, वो उसमें सही लगता था मुझे, बाकी दीवार विवार में ऐसी बेकार से लगता था मुझे, पता नहीं क्या घंटियाँ बजाए जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहे हैं, सबका अपना अपना है। कई लोगों को कुली में अच्छा लगता था अमिताभ बच्चन, कई लोगों किसी में, तो ऐसे ही है कृष्णा राम वराह रामन सब एक हैं, मगर हमें व्रज में जो कृष्ण है वो अच्छे लगते हैं, हमारा फोकस वहाँ है। कुछ लोगों को राम में, कुछ लोगों को वामन में, तो ये फ़र्क है और कुछ नहीं, इसलिए कृष्ण की करते हैं। व्यक्ति एक है मगर रोल्स अलग अलग हैं, इस रोल में हम अच्छे लगते हैं, आपको राम में अच्छे लगते हैं, ठीक, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ओके। ये ओके, सो दैट्स इट, एकादशी प्रसाद है आज, एकादशी प्रसाद, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।